चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर थ्री एजुकेशन में। देखिए हम लोग आज जो है आप लोगों के लिए एक चैप्टर लेकर के आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो चैप्टर है आप लोगों की एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम आने वाली है ना, नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है, फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी एग्ज़ाम जो आपकी मार्च में होने वाली है उसमें ये जो चैप्टर आपका आता है ये कम से कम 2 या 3 नंबर के लिए आपसे पूछा जाता है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके इसमें बनते ही बनते हैं। अब ये जो चैप्टर है ये थोड़ा साधारण ब्याज से अलग है। साधारण ब्याज तो आप सभी दोस्तों ने पढ़ा होगा, है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय, वो बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। पर ये जो आप लोगों का चैप्टर है ये थोड़ा सा अलग है। अब इसमें क्या होता है, 2 तरीके से लोग सवाल करते हैं, एक ट्रिक से करते हैं, एक फॉर्मूले से किया जाता है। पर मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग हाथ पे कैलकुलेशन कर लेंगे चाहे कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो ये जो चीज़ होती है ये होता है, कहलाता है ब्याज पर ब्याज। इसको हम कहते हैं ब्याज पर ब्याज। ये होता है यानी कि एक तो नॉर्मली मूलधन पे ब्याज लगता है। जैसे कि मान लो 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। 2 दोस्त हैं राम और श्याम, है ना, क्योंकि राम का नाम लेते हैं तो श्याम आता ही आता है ना, इस तरीके से। तो जैसे कि राम ने श्याम से मान लो 1000 रुपये उधार लिए और इसने कहा कि मैं तेरे को 10% का ब्याज दूंगा और रुपये 5 साल में लौटाऊंगा। क्या बोला कि राम ने श्याम से 1000 रुपये उधार लिए और 10% की रेट से 5 साल में आपको वापस ये लौटाएगा। अगर या तो ये साधारण ब्याज पे लेता है, मान लो साधारण ब्याज पे लेता है, तो इसको हर साल सेम ब्याज देना पड़ेगा। मतलब 10%, जैसे कि 1000 का 10% 100 रुपये और 5 साल के हिसाब से, यहाँ 1 साल के 100 रुपये, तो 5 साल के 500 रुपये इस तरीके से ये ले लेगा। तो इसको मान लो लास्ट में 1500 रुपये देना पड़ेंगे। पर ये बात कब होती, जब होता साधारण ब्याज। क्या होता, साधारण ब्याज। लेकिन अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता तो यहाँ पर 1500 से आप लोगों को राशि बहुत ज़्यादा देना पड़ती, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल आपकी जो राशि है, हर साल आपका मूलधन बदलता रहता है, क्योंकि इसमें जो ब्याज जोड़ करके अगला मूलधन बना लिया जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने में लिखता हूँ, देखना, उससे हमको पता चलेगा कि ये वास्तव में होता क्या है। फिर इसकी ट्रिक भी हम लोग सीखेंगे, है ना, 2 साल में क्या ट्रिक है, 3 साल में क्या ट्रिक है, बहुत सिंपल है। जैसे कि मान लो यहाँ पर उसने कहा कि 100 रुपये पर, 100 रुपये, बहुत बेसिक सवाल से शुरुआत करूँगा तो जो लोग जीरो से पढ़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 100 रुपये पर 10% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर कहें CI, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे अपनी ट्रिक बनेगी, उससे हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि 100 रुपये पे 10% की रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि नॉर्मली अगर ये साधारण ब्याज होता तो पहले साल कुछ ब्याज लगता है ना, दूसरे साल भी कुछ ब्याज लगता, इस प्रकार से 2 साल का ब्याज हम लोग जोड़ लेते। पर यहाँ पर आप लोग देखो 100 रुपये का 10% कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 100 रुपये का 10% कौन सा निकालना, बड़ी बात है, हम लोग 100 का 10% निकाल देंगे तो 10 रुपये आ जाएगा। मतलब पहले साल उसका 10 रुपये ब्याज लगेगा ही लगेगा, सीधा सा गणित है साहब। अब मैंने कहा दूसरे साल कितना लगेगा, आप लोग बोल रहे हो सर पहले साल 10% हिसाब से लगा, दूसरे साल भी 10% के हिसाब से 10 रुपये लगेगा। मैंने कहा ठीक है, तो क्या 20 रुपये लिख दूं क्या ब्याज, तो आप लोग बोलेंगे सर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। मैंने कहा हाँ निकाल रहे हो, तो आप लोग बोलोगे सर ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, इसको हम ब्याज पे ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्याज पर ब्याज कहते हैं। तो सर आपने इस ब्याज पर तो ब्याज लगाया नहीं, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, इस 10 रुपये पर भी 10% का ब्याज लगाऊंगा। तो 10 रुपये का 10% कितना होता है सर, ऐसे कैसे निकलेगा, तो बहुत सिंपल है कि 2 जीरो से 2 जीरो काटी तो 1 रुपया बना, मतलब दूसरे साल 1 रुपया और एक्स्ट्रा लगेगा और 20 रुपये की जगह आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा 21। सर इस 21 से क्या होगा, तो इस 21 से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 2-1 वाली ट्रिक बनेगी। क्या बनेगी, 2-1 वाली ट्रिक, इससे हम लोग कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, अब 2-1 वाली ट्रिक से कैसे करेंगे, तो जैसे कि मान लो मैंने कहा कि 5000 रुपये पर, 5000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से, 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज या CI क्या है। तो आप लोग बोलोगे सर हम क्या वापस से पहला साल दूसरा साल ऐसे लिख के करें क्या, नहीं, हर बार इतना नहीं करना है, अपने को वहाँ पे समय बचाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 और 1, जो अपनी ट्रिक है ना, 2 और 1 वो लिखेंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इनके सामने गुणे का निशान लगाना है। क्या करना है, गुणे का निशान। अब 5000 का 10% निकालना कोई बड़ी बात है,
तो सर हम लोग तो ऐसे निकालेंगे 5000 का 10% बटे 100 जीरो काटेंगे। भैया इतना नहीं करना है, हमको क्या करना है कि जब भी किसी का 10% निकालना हो तो एक जीरो कम कर देंगे। सर एक जीरो कैसे कम कर देंगे, तो 5000 का 10% निकाला तो 500 कर दो, तो यहां लिख दो 500। फिर इस 500 का 10% निकालना है, तो मैंने कहा जब भी 10% निकालते हैं एक जीरो हटा देते हैं, मतलब 500 का 10% 50 आ जाता है, तो यहाँ 50 लिख देंगे। तो आप लोगों को 500 का डबल किया तो 1000 आया, और 50 का एकम 50, तो यहाँ पर आपका चक्रवर्ती ब्याज बना 1050 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर 2-1 वाली ट्रिक लगा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो 2-1 वाली ट्रिक क्या है, 2-1 लिखना है, इनटू लगाना है, और परसेंट निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, तो नॉर्मली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखो, अब आप लोगों के सामने मैंने क्या किया है, दूसरे नंबर का प्रश्न रखा है। अब आप लोग बिल्कुल आसानी से करिए कि यहाँ 8000 रुपये आपका प्राइस है, कि 8000 रुपये आपको मूलधन दिया है, 5% की रेट है, और 2 वर्ष का आप लोगों को चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक है अपने पास, 2-1 करना है। क्या करना है, 2-1 करना है। अब 2-1 करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो रकम चाहिए वो इससे निकलेगी। 8000 का 5% कैसे निकालें सर, क्या ऐसा करें हर बार 8000 का 5%, तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। और किसी का मन नहीं लगता होगा सर ये तो मेरे को करना ज पड़े, तो वह भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 8×40 यानी कि 400 आप निकाल सकते हैं। और अपना सीधा शॉर्टकट ये है, मैंने कहा था कि 10% जब भी निकालते हैं तो 1 जीरो कम कर देते हैं, मतलब आप लोगों का 800 जो है 10% है। अगर 800 10% है तो 10% का आधा 5%, मतलब 800 का आधा 400, तो यहाँ पर जो आपकी प्राइस आई वो आई 400 रुपये। अब जो नीचे आपके मूल्य लिखा जाता है वो इसका भी आधा लिखा जाता है, यानी कि मतलब इसका भी 5% लिखा जाता है, तो 400 का 5% कितना होता है, तो 400 का 10% 40 और 5% हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो 400 का डबल 800 और 20 से कम 20, तो यहाँ पर आप लोगों का चक्रवर्ती ब्याज बनता है 820 रुपये। क्या बन जाता है, 820 रुपये। और आप बोलेंगे सर हमें तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला भी बताओ, तो दोस्तों फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 इंटू एन, इससे भी आप लोग लगा सकते हैं आपकी जैसी इच्छा। पर मैं आप लोगों को बहुत इजी चीज बताऊंगा, इजी चीज में आपका होगा ये कि वहां पर आपका समय बचेगा, क्योंकि आपका मेजरली जो आपका पोर्शन है वो मैथ्स रीजनिंग का बहुत बड़ा पोर्शन है, और वहाँ पे आप लोगों को कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन करना है जो कि मैथ्स और रीजनिंग के होंगे, तो जितना आपका समय बचेगा वो कठिन प्रश्नों में आप उनको दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन और लिखें आप और उसको करने की कोशिश करें। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कि 4000 का 25% की रेट से, 25% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, 4000 का 25% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज लिखने के लिए हम लोग 2-1 कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 2-1 अपनी ट्रिक है, तो 2-1 यहाँ लिखा। 25% कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों 25% जो होता है, ये परसेंटेज वाले चैप्टर में अपनों ने पढ़ा था कि 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। सर 1/4 कहाँ से आया, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 100 के 4 बराबर टुकड़े करें तो एक टुकड़ा 25% का होता है, यानी कि 25% बराबर 4 में से एक टुकड़ा, मतलब आप लोग 4000 का 1/4 करें तो आप लोगों को मिलेगा 1000, यानी कि 4000 का 25% कितना, 1000, और 1000 का 25% कितना, तो 1000 का 25% होता है 250। तो आपने किया 1000 का डबल कितना किया दोस्तों, 2000 किया, और 250 एकम 250, यानी कि आपका 250 एकम 250, तो आप लोगों का आंसर आया 2250। तो उम्मीद कर रहा हूं कि 2 साल की जो ट्रिक है 2-1 वाली वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो क्या सर हर बार 2 ईयर थोड़ी आएगा, तो दोस्तों मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सर हर बार 2 साल थोड़ी आता है, 3 साल भी तो आता है। तो दोस्तों 3 साल की भी ट्रिक है। 3 साल की ट्रिक क्या है, आप लोग मुझे पहले एक क्वेश्चन करके बताओ कि 1000 रुपये पर 10% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। मान लो भाई साहब ट्रिक बनी नहीं होती तो मैं 3 साल का ब्याज तो जोड़ता नहीं जोड़ता, बिल्कुल जोड़ता, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज, और 1000 का 10% तो मुझे आता है कि 1000 का 10% 100 होता है, तो भाई साहब 100 रुपये यहाँ लगेंगे, 100 रुपये यहाँ लगेंगे और 100 रुपये यहाँ लगेंगे, तीनों साल 100-100 रुपये तो इस पर लगना ही है।
फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि सर चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब तो ब्याज पे ब्याज होता है, तो आपने ब्याज पे ब्याज तो लगाया नहीं। जी बिल्कुल, इस 100 पे 10 रुपए लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है, इस 100 पर भी 10 लग जाएंगे, है ना, और यहां पर इस 100 पर भी 10 रुपए लग जाएंगे, और आप लोगों का 10 रुपए का 1 रुपया और लगेगा, तो यहां पर आप लोग जोड़ेंगे तो 100 इधर, 110 इधर, और यहां पर आपके हो रहे हैं 121 इधर, सभी को जोड़ेंगे तो यहां पर आपके बन जाएंगे 1, है ना, और आप लोगों का 2 और 1 3, है ना, 1 1 3, तो 331 यहां पर आपका बन रहा है। सर 331 से क्या हो जाएगा? 331 से ही तो ट्रिक बनेगी बाबू। 331 से ट्रिक बनी कि 331 जैसे 2 साल की बनी थी ना 21, वैसे ही 3 साल की बनेगी 331। तो आप लोगों को याद रख लेना है कि 3 साल की ट्रिक होती है 331। क्या सर ये लगेगी? जी बिल्कुल लगेगी, हम लोग लगा के देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा कि भैया आपका एक क्वेश्चन लिया मैंने कि 8000 रुपये पर मान लीजिए 20% की रेट से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों जैसे आपको 3 वर्ष दिखे तो आप लोग लिखना 331। सर उसके बाद क्या? उसके बाद वही करना है जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो 8000 का 10% होता है 800, तो 20% हो जाएगा 1600। और किसी के अंतरात्मा गवाही नहीं दे कि सर हमारा तो करना पड़े, इतने दूर पेपर देने गए नहीं, इतना साइन करें, तो इतना कर लेना, वहां पर लिख लेना 8000 का 20%। किसी की मेहनत करने की आदत पड़ी हुई तो वो करेगा ही करेगा, तो वो ऐसा कर लेना कि 20 से 20 काटी, 80 × 20 किया तो 1600 आ गया। ठीक है भाई साहब, अब यूनिक 8000 का 20% वापस यहां लिखे, ना 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 ना, यहां पर इसका 20% निकालना पड़ेगा। तो 1600 का 20% कितना होता है? 1600 का 10% 160, तो 20% 320। तो यहां पर मैंने लिख दिया 320। सर ये 320 कैसे लिया? किसी को नहीं विश्वास हो तो 1600 का 20% आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब 320 का 20% आपको निकालना है। अब 320 का कैसे निकालें? मैंने कहा 10% होता है 10 कम, मतलब 32, तो 32 का 20 यहाँ पे हो जाएगा 64, ऐसे, है ना। तो सभी को आप लोग जोड़ लो, बस यही काम है। 16 × 48 यानी कि 4800। ठीक है, 320 × 3। अब 320 × 3 करने के लिए सर क्या 3×6 ऐसे करूँ? तो वो भी कर सकते हो, और डायरेक्ट भी करना हो तो 300 × 3×900, 20 × 3×60, तो 960 आ जाएगा। और ऐसे भी करना हो तो 0×0 × 3×6 × 3×9, बिल्कुल आपका जैसा मन हो, 64 × 64, बस सभी को क्या कर दो, जोड़ दो, 4 × 4 = 6, 6 × 12 = 2, 8 × 9 = 8, 9×9 = 18, 8 × 1 = 1, तो 5,884 ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष का 20% के हिसाब से, इस वजह से, है ना दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को 2 साल की ट्रिक पता चली, 3 साल की ट्रिक पता चली। एक क्वेश्चन और देता हूं 3 साल वाला, तो सभी दोस्त जरा करके बताना कि आपको 3 साल की 3-3-1 वाली ट्रिक से आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिखा, मैंने आपसे कहा कि भैया 2000 रुपए का 5% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या है? तो आप लोगों ने कहा सर 3 वर्ष का, तो मैंने कहा था 3 वर्ष का क्या, 3 3 1, और चाहो तो वीडियो को रोक भी सकते हो, अपना आंसर निकाल भी सकते हो, है ना, पर ऐसा करेगा नहीं कोई, मेरे को पता है तुम बहुत ये हो, है ना। तो 2000 का आपको पता है कि वीडियो में कर रहा बेचारा, मेहनत करने दो, है ना। 2000 का 10% 200, 5% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर 100 का 10%, तो आप 100 का 5%, तो 5 पता ही है। अब 5 का 5% निकालने में बहुत सारे दोस्तों को दिक्कत आती है, तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, 5 का 5% निकालने के लिए ऐसे ही लिखना है 5 × 5, तो यहाँ आ जाएगा 25 25/100, मतलब 0.25, तो यहाँ 0.25 लिख के 1 कर देना है। बस इसको सोल्व करना है, 100 × 300, 5 × 3 = 15, और 0.25 का 0.25, तो इसका आंसर बनेगा 315.25, आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों ने आज जो है 2 साल और 3 साल के बिल्कुल आपने ट्रिक देखी। ठीक है, तो आप लोगों के लिए देखो लेयर 3 एजुकेशन की तरफ से पूरा प्रॉपर काम कर दिया गया है। प्रॉपर काम कैसे सर? तो प्रॉपर काम ये है कि आप लोगों की रेगुलर 2 घंटे की क्लासेस कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आज क्या डेट है आपकी? 27-28 क्या है आज, जो भी डेट है, जो आप वीडियो आज देख रहे हो, कल से आप लोगों की शाम को 4 से 6
चार से छः दो घंटे की लगातार लाइव क्लासेस आप लोगों को रेगुलर मिल जाया करेगी। उसके अलावा दोस्तों एक और जानकारी ये कि सर मैथ्स का और रीजनिंग का, मैथ्स और रीजनिंग का आप लोगों के लिए बेस्ट काम ये किया गया है कि मैथ्स और रीजनिंग का आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। अब कोर्स का भी हम लोगों ने क्या किया है, जो 799 प्राइस था उसकी जगह अभी आप लोगों को 499 में मैथ्स और रीजनिंग के 100 से भी अधिक वीडियो बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। वहां पर आपको क्या होगा कि जो शुरुआत के 100 बच्चे हैं, यानी कि पहले तो जिन लोगों ने लिए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत के जो अभी 100 बच्चे हैं उन लोगों को अभी क्या होगा कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट को 499 में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर 100 वीडियोस के आसपास अभी हैं और बाकी के वीडियो भी आप लोगों को जल्द मिल जाएंगे। उसमें आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें विथ PDF, मतलब हर चैप्टर के आपके कम से कम 100 क्वेश्चन तो करवाए जाएंगे। उसके अलावा रेगुलर क्लासेस लाइव आपकी मिल ही रही है ना, बिल्कुल आप लोगों का बेस्ट काम आपको घर बैठे मिल जाएगा। इतना तो आप लोगों का जो प्राइस लिया जा रहा है, ये क्या है कि थोड़ा सा सेवा शुल्क लेना पड़ता है, उससे क्या है कि पैसा आता है तो चीज़ें और अच्छी आती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। रेगुलर क्लासेस आपकी चलेगी लाइव, उसमें हम लोग डेली आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। बाकी कोर्स आपका लेयर 3 एजुकेशन ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। क्या डाउनलोड कर लेना? लेयर 3 एजुकेशन ऐप, इसकी लिंक बिल्कुल इस वीडियो के जस्ट नीचे दी हुई है, आप लोग चेक कर लेना। लेयर 3 एजुकेशन, सर ये ऐप कहाँ मिलेगा? वहीं जहाँ TikTok मिला था, है ना, वहीं से आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में, धन्यवाद।